आज कितने लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा को पाना? कुछ लोग हैं जो नहीं पाना चाहते। कितने लोग हैं नहीं पाना चाहते? ठीक है, जो नहीं पाना चाहते अपना हाथ नीचे रखिएगा, जो लोग पाना चाहते सिर्फ वो अपना हाथ ऊपर कीजिएगा। ओके, प्रभु आपको आशीष करे। देखिए, बहुत सी बातें संकेतक होती हैं। एलीशा के पास राजा जब गया, जब एलीशा मरने वाला था, तो उसने कहा तीर निकाल और धरती पर मार। तब राजा ने तीन तीर निकाल कर तीन बार नीचे धरती पर मार दिया तीर और रुक गया। परमेश्वर के दास ने कहा तू क्यों रुक गया, धरती पर तीर मारता रहता। अब तुम दुश्मन जो थे उनको तो तीन बार ही जीतेगा। उसने सोचा धरती पर तीर मारने के लिए कहा है, कोई बात नहीं, तीर ही मारना, तीन मार कर रुक गया वो। लेकिन परमेश्वर के दास ने कहा अब तीन बार ही जीतेगा तू, अगर तू तीर मारता रहता तो दुश्मनों को हमेशा के लिए खत्म कर देता। तो ये संकेतक होते हैं। जब हम लोग कहते हैं कि जो लोग आशीष लेना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा करें, तो क्या करते हैं? कुछ लोग नहीं करते, वे आशीष तो वैसे मिल जाने, हाथ खड़ा नहीं करेंगे। ये संकेत होते हैं, ठीक है, और वो लोग आशीष पा जाते हैं। तो इसलिए जब आप चर्च में बैठे हैं तो बड़ी होशियारी के साथ बैठे हैं। हालेलुया। आइए एक वचन परमेश्वर का देखते हैं, मत्ती की इंजील 3:11। मत्ती की इंजील 3:11। ओ हालेलुया। मैं पानी तो पानी से तुम्हें मन फिराव बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जुत्ती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा और आग से। कौन कहता है? यूहन्ना कहता है कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। मरकस 1:8 हम लोग पढ़ते हैं। मरकस 1:8 आशा से योशापात उत्पन्न हुआ। मरकस 1:8 होरी बारा सिखा बोरो तबा नना तबा रेरी बिशे दे। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है। हाँ, यूहन्ना फिर कहता है, बपतिस्मा देने वाला, मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। वह यानी कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा से बपतिस्मा? रिब्बा लस्सा खबर लबा, आज आपको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिलने वाला है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत से लोग कहते हैं आग से जो बपतिस्मा है जो प्रभु यीशु मसीह देने वाला था, लोग कहते हैं कि नरक है, प्रभु यीशु मसीह ने के बारे में जो कहा गया है प्रभु यीशु मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा और आग से बपतिस्मा देगा, आग को कहते हैं नरक में डालेगा। लेकिन वो बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। इसलिए जो भी ऑनलाइन देखते हैं आप लोग हो, अपने मन से इस बात को निकाल देना अगर आपको नहीं मालूम तो। यहां पर पहले लिखा है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, और मरकस 1:8 में लिखा है वह तुम्हें जल्दी से बोला करें, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। ठीक है, यहां पर नहीं लिखा आग से। मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि क्या है ये सब। लूका 3:16। तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुंह से शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसका जूतों का बंद खोल सकूं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा।
हालेलुया, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से, आग से पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। तो यूहन्ना ये नहीं कह रहा था आग से बपतिस्मा देगा जन के नरक में डालेगा, वो कह रहा है पवित्र आत्मा से आग से बपतिस्मा देगा। वह तुम्हें पवित्र आत्मा से, मत्ती 3:11 वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, मरकुस 1:8 वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, लूका 3:16 वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। और यूहन्ना की अंजील 1:33, यूहन्ना की अंजील 1:33, मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। यह लिखा है पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला कौन? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सो कई जगह पे लिखा है पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा, और कई जगह लिखा है पवित्र आत्मा से बपतिस्मा। असल में पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा एक ही बात है, यानी कि पवित्र आत्मा से बपतिस्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे चलकर हम अच्छे से इस बात को समझेंगे। और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा, देखो पहले मैं आपको थोड़ा सा परमेश्वर के वचन में लेकर चलता हूं। पहला करंथियों 10:1-2 तक पढ़ेंगे। पहला करंथियों 10:1-2। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुन्द्र के बीच से पार हो गए। और सब ने बादल में और समुन्द्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। क्या लिखा है? कौन सा बपतिस्मा लिया? मूसा का बपतिस्मा। कौन सा? मूसा का। कब? जब समुन्द्र में से सब के सब लोग निकल रहे थे, समुन्द्र दो भाग हो गया, एक साइड पर क्या था? पानी दीवार की तरह खड़ा हो गया, दूसरी साइड पे भी पानी दीवार की तरह खड़ा हो गया, और ऊपर क्या था? बादल। ऊपर क्या था? बादल। इसलिए मूसा ने और जितने थे सब ने कौन सा बपतिस्मा लिया? मूसा का बपतिस्मा लिया। तो वो मूसा का बपतिस्मा लिया उन्होंने, और नू का बपतिस्मा भी है। पहला पत्रस 3:20-21, पहला पत्रस 3:20। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा 20:20, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ने मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज में रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। हाँ, तो क्या हुआ? हाँ, आगे 21। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर जो बात हो रही है कि जैसे जल परलोक के समय क्या हुआ था, ये 8 प्राणी बचाए गए थे, नीचे से पानी खुल गया था, ऊपर से पानी बरस रहा था, और इनका नूह का बपतिस्मा हुआ, नूह और उसके परिवार का बपतिस्मा हुआ। तो मूसा का बपतिस्मा, नूह का बपतिस्मा। अब तीसरा जो बपतिस्मा है वो है मन फिराव का बपतिस्मा। मरकुस 1:4, मन फिराव का बपतिस्मा, यानी कि जिसे कहते हैं यूहन्ना का बपतिस्मा, यूहन्ना का बपतिस्मा, मन फिराव का बपतिस्मा। मरकुस 1:4, यूहन्ना आया और जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता। हाँ, मन फिराव का बपतिस्मा देता था, पश्चाताप करने के लिए लोगों के मन फिराव का बपतिस्मा देता था। और 3 हो गए। और प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा हमें बपतिस्मे के लिए,
वो क्या कहा परमेश्वर मसीह ने, जब वो स्वर्ग उठाए जा रहे थे तो परमेश्वर मसीह ने कहा क्या करना, लोगों को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या देना, बपतिस्मा देना। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी, ये प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा है जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा कहते हैं। मरकस 16 अध्याय 16 वचन लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। यानी कि अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। यूहन्ना का बपतिस्मा नहीं, क्योंकि प्रेरितों के काम में कुछ चेले थे जिन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था और फिर उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया गया। आप यूहन्ना का बपतिस्मा नहीं, जब प्रभु यीशु मसीह आ गए, प्रभु यीशु मसीह जाते हुए ये नहीं कह के गए कि यूहन्ना का बपतिस्मा लेना। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग पर उठाए जा रहे थे उन्होंने कहा सबको चेला बनाना और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। हालेलुया। सो चार और पांचवा, मरकस 10 अध्याय और 38 वचन, मरकस की अंजील 10 अध्याय और 38 वचन। प्रभु ने उनसे कहा तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो, जो कटोरा में पानी जो कटोरा में पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं क्या तुम ले सकते हो। परमेश्वर से क्या कहते हैं, जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं क्या तुम ले सकते हो। तो क्या परमेश्वर मसीह ने उस समय बपतिस्मा ले लिया था या नहीं ले लिया था, बोलो जल्दी से, ले लिया था ना उस समय परमेश्वर मसीह ने। आज पहली बार इधर से आवाज आई है, नहीं तो इधर वाले पहले बोलते हैं हमेशा, ठीक है, कुछ अदला बदली होगी लगती आज। उस समय परमेश्वर मसीह ने बपतिस्मा ले लिया था उस समय, तो फिर क्यों कह रहे हैं कि जो बपतिस्मा मैं लेने वाला हूं। दोबारा से पढ़ना क्या लिखा है, क्या कहते हैं, जो तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो, जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा लेने पर हूं क्या तुम ले सकते हो। जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं तुम ले सकते हो, जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं तुम ले सकते हो। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने वाले थे, हालांकि वो पहले बपतिस्मा ले चुके थे। तो ये कौन सा बपतिस्मा था, पांचवें बात जो मैं बता रहा था, ये बपतिस्मा था प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा। प्रभु यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा, प्रभु यीशु मसीह ऐसे कब्र में ऐसे लिटाए गए और फिर ऐसे जीवित हो गए। प्रभु यीशु मसीह ऐसे कब्र में रखे गए और फिर ऐसे जीवित हो गए। और वो बपतिस्मा लेने की बात कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह कि जो बपतिस्मा मैं लेने वाला हूं तुम ले सकोगे, उसकी बात हो रही थी। हालेलुया, हालेलुया। वो था इस बपतिस्मे को क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा। पांचवा जो मैं आपको बता रहा था, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा। रोमियो 6 अध्याय 3 और 4 वचन का ए पार्ट तक पढ़ेंगे, रोमियो 6 अध्याय 3 और 4 का ए पार्ट।
ध्यान रखा कर। रोमियो 6 अध्याय 3-4 का ये पाठ तक। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसी मृत्यु पर बपतिस्मा लिया। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि जिन्होंने हमने जो बपतिस्मा लिया है वो प्रभु यीशु की, प्रभु यीशु की क्या लिखा है, मृत्यु का बपतिस्मा लिया, मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए और उसी समय जी उठे। हालेलुया। तो इसलिए वहां लिखा है, इसलिए जब मर चुके हैं पापों की ओर से दोबारा पाप ना करें, हम तो मसीह में जीवित हैं अब, तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा। कुलीसियों 2:12, कुलीसियों 2:12। उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। हालेलुया। इसकी गहराई को समझें, उसी के साथ हम लोग मारे गए और जैसे सामर्थ ने प्रभु यीशु मसीह को जिंदा किया हमें भी क्या कर दिया गया, जिंदा किया गया। इसका मतलब हमने प्रभु यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। अब छठा है पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा। उद्धार पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए कौन सा बपतिस्मा लेना है? नहीं, उद्धार पाने के लिए कौन सा बपतिस्मा लेना, पानी का बपतिस्मा, इधर से बात आ रही है, पानी का बपतिस्मा, ठीक है, कौन सा, पानी का बपतिस्मा। उद्धार पाने के लिए कौन सा बपतिस्मा है, पानी का, जो हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मरकस 16:16 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, मरकस 16:16 द्वारा से पढ़ना, मरकस 16:16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। किसका उद्धार होगा, किसको मुक्ति मिलेगी, कौन नरक से बचेगा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। कौन सा बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के पानी वाला, जो हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लेते हैं। प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा, तो वो गलत नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि उस समय दो बपतिस्मे चलते थे, एक यूहन्ना का बपतिस्मा, एक परमेश्वर मसीह का बपतिस्मा। इसलिए पहचान के लिए वो ये नहीं कहते थे पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, हालांकि बपतिस्मा जो दिया जाता था वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से दिया जाता था, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा थी। लेकिन पहचान के लिए भी यूहन्ना का बपतिस्मा अलग है और प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा अलग है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा कहते थे। हालेलुया, हालेलुया। अब छठा जो जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जानने की मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया तो इसका मतलब यह है कि वो नरक जाएगा, नहीं, वो नरक नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां यह नहीं लिखा जो विश्वास करे और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले वो बचाया जाएगा, उसका उद्धार होगा। यहां यह लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। फिर मगर सामर्थ पाने के लिए कौन सा बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा का। सामर्थ पाने के लिए कौन सा बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा का।
उद्धार पाने के लिए कौन सा बपतिस्मा लेना है? पिता पुत्र पुत्र आत्मा के नाम से पानी का बपतिस्मा, लेकिन सामर्थ पाने के लिए पवित्र आत्मा का। प्रेरितों के काम एक अध्याय आठ वचन, प्रेरितों के काम एक अध्याय आठ वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ जब तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लोगे तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लोगे तब तुम सामर्थ पाओगे, जब तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लोगे तब तुम सामर्थ पाओगे, जब तुम पानी का बपतिस्मा लोगे तुम उद्धार पाओगे, तब तुम उद्धार पाओगे। रिबारा साबाला सिखा बरोबा तबारा रबा होरी बीरी रिबिशी देरी सिखा लबारा लबा। जब आप पर यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लोगे तो आप संसार के लिए मरकर प्रभु के लिए जीना शुरू कर दोगे, पाप के लिए मरकर प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना शुरू कर दोगे। तो सामर्थ पाने के लिए कौन सा बपतिस्मा चाहिए? सब लोग बोलो, सामर्थ पाने के लिए कौन सा बपतिस्मा चाहिए? सामर्थ पाने के लिए कौन सा बपतिस्मा चाहिए? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। क्योंकि जब तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। वो सामर्थ कहां से आती है? लूका 24 अध्याय 49 वचन, 24 अध्याय 49 24 49, लूका 24 अध्याय 49 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। सामर्थ कहां से आती है? और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इस नगर में ठहरे रहो। कहां से सामर्थ? कहां से सामर्थ? स्वर्ग से। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक क्या करना? यही रहो। अपने चेलों से कह रहे थे, उनका उद्धार हो चुका था, वो पानी का बपतिस्मा ले चुके थे चेले, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, क्योंकि उसे मालूम था कि ये बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाले होंगे, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, बोलो जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तो प्रभु ने क्या कहा? वहीं रुके रहो, इतनी देर वहीं यरूशलेम में रहो, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। तो सामर्थ कहां से आने वाली थी? स्वर्ग से। किस दिन आई? पेंतिकुस्त के दिन, पेंतिकुस्त के दिन आई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे, और जब तक तुम सामर्थ ना पाओ उतनी देर तक कहा तुम यही रहो, और स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तो स्वर्ग से सामर्थ उतरने वाली थी, स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतरने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने कहा रुको, पानी का बपतिस्मा हो गया है, तुम्हारा उद्धार हो गया है, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। लूका 10:19 में क्या लिखा था? 19:20 में कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। चेलों से कहा प्रभु यीशु मसीह ने, लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं? कब कह रहे हैं? जब प्रभु यीशु स्वर्ग उठाए जा रहे हैं कि तुम रुको, थोड़ा सा रुको, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ उतनी देर रुको, स्वर्ग से सामर्थ पाने के लिए रुको, उद्धार पाने के लिए नहीं। उद्धार उनका हो चुका था, उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जा चुका था, अब बारी किसकी थी? स्वर्ग से सामर्थ पाने की, जन के पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा पाने की, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा पाने की बारी थी। होरी बारा साबाला सखा बारो तो बरो रो बसी खारा बात हमारा लाभा ऋषि बीरी री बिशी दारा बा। थोड़ा सा पढ़िएगा वचन को, यहां से हम लोग पढ़ रहे थे लूका 24 अध्याय 49 वचन से 51 वचन तक, 49-51। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है?
प्रभु यीशु मसीह कब कह रहे हैं? जब वो स्वर्ग पर उठाए जाने वाले हैं। जब कोई बाहर जाता है, कई बार मैं बाहर जाता हूं, दूर लंबे समय के लिए विदेशों में जाता हूं, तो घर वालों को कह के जाते हैं, ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना, सुमन तू घर से बाहर नहीं निकलना, तुम ऐसा करना, सब बता कर जाते हैं, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह अब कहां जा रहे थे? स्वर्ग में। और जाने से पहले जरूरी जरूरी बात कुछ बताकर जा रहे थे, कौन सी? दोबारा से पढ़ना, लूका 24 अध्याय 49। जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा। क्या करूंगा? मैं उसे तुम पर उतारूंगा। किसे? जो प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है उसे मैं तुम पर उतारूंगा। हालेलुया। और जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है वो आज आप पर उतरने वाला है। जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है वो आज आप पर उतरने वाला है, यानी कि पवित्र आत्मा। फिर से पढ़ना 49 से। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ। कहां से? जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। 51 तक पढ़ना है। तब वह उन्हें बेतनिया तक बाहर ले गया। हाँ, बेतनिया तक बाहर ले गया। और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। हाँ, उसे ब्लेस किया। और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। हालेलुया। कहां जा रहा था प्रभु यीशु मसीह? स्वर्ग में। और जब ये बात कह दी कि स्वर्ग से सामर्थ्य पाओ, रुको यहां पर, जो प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है वो मैं पूरी करूंगा और तुम पर उतारूंगा। वो प्रतिज्ञा जो मेरे पिता ने की है तुम पर उतारूंगा जब तक स्वर्ग से तुम सामर्थ ना पाओ। सामर्थ मतलब पवित्र आत्मा। सामर्थ मतलब पवित्र आत्मा। और ये प्रतिज्ञा कब की गई? एक दो वचन पढ़िएगा, यशायाह नबी की पुस्तक 44 अध्याय 3 वचन, 44:3, यशायाह नबी की पुस्तक 44 अध्याय 3 वचन। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। कौन कह रहा है? परमेश्वर। क्या कहते हैं? मैं प्यासी भूमि पर जल, जो प्यासे हैं प्यासी भूमि पर मैं जल बहाऊंगा। आपको मालूम है ये किसके बारे में कहा गया? पवित्र आत्मा के बारे में। ये पवित्र आत्मा के लिए लिखा गया है, यशायाह 44 अध्याय 44, यशायाह 44 अध्याय 3 वचन। फिर से पढ़ना, क्या मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा? सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, प्यासी भूमि पर जल, प्यासी भूमि पर जो लोग प्यासे हैं जल बहा दिया जाएगा, पवित्र आत्मा ढेर ली जाएगी। इसलिए आप जब लोग कई बार दर्शन देखते हो, आपको याद होगा कई बार पवित्र आत्मा की धारा बहती हुई आती हैं, तो प्यासी भूमि पर जल बहाऊंगा, सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। हालेलुया। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा। किसकी आत्मा? कौन कह रहा है? परमेश्वर। मैं किस पर उंडेलूंगा? तेरे वंश पर। क्या उंडेलूंगा? अपनी आत्मा। परमेश्वर कहते हैं अपनी आत्मा, वही आत्मा जो उत्पत्ति 1 अध्याय में परमेश्वर स्वर्ग में है जब, और आत्मा पानियों के ऊपर मंडलाता है, पानियों के ऊपर आत्मा मंडलाता है, वो आत्मा परमेश्वर कहते थे मैं तेरे वंश पर उंडेलूंगा।
ये प्रतिज्ञा थी। और इसी प्रतिज्ञा के बारे पर यीशु कहते हैं, जो प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है वो मैं तुम पर उतारूंगा। इसलिए यहां रुको थोड़े दिन, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पा लो। योएल नबी की पुस्तक, योएल नबी की पुस्तक 2:28-29 योएल 2:28-29 उदिता जो आनंद यीशु ने जावे ना किसे तो खोया, दिता जो आनंद यीशु ने जावे ना किसे तो खोया। योएल 2:28-29 उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। अपना आत्मा किन पर? सब प्राणियों पर। हालेलुया। सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, अपना आत्मा जाने के पवित्र आत्मा, अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुरने स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे बुजुर्ग जो हैं वो स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियां पर भी उन दिनों में मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे दास दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। ये प्रतिज्ञा थी। हालेलुया। और इसी प्रतिज्ञा को प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर उठाए जा रहे हैं कहते हैं, रुको जब तक मैं स्वर्ग से सामर्थ ना उंडेल दूं। हालेलुया। उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पानी का बपतिस्मा लेते हैं, मगर स्वर्ग से सामर्थ पाने के लिए हम पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा लेते हैं। प्रेरितों के काम 1:3-5 तक पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 1:3-5 और फिर हम लोग इसके बाद प्रार्थना करने वाले हैं। हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पुस्तक उन सब बातों के विषय में लिखी। के काम 1:3-5 तक। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्राणों प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से प्रमाणों के साथ अपने आप को जीवित दिखाया, अपने आप को जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। प्रभु यीशु मसीह उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने पक्के प्रमाणों के साथ जीवित होने के बाद सब लोगों को जीवित दिखाया जो उसके गवाह थे उन्हें। हाँ, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा, 40 दिन तक उनके साथ रहा, उन्हें दिखाई देता रहा, और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा 3-5 तक, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। हालेलुया। जिसकी चर्चा तुम मुंह से सुन चुके हो। तो क्या कहा कि तुम बाट जोते रहो, उतनी देर तक बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो जब तक वो तुम पर आ नहीं जाता, अर्थात पवित्र आत्मा। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। तो उन्हें ये कह दिया, इंतजार करो क्योंकि तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। 8:11-11 तक 1 परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के शोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। यह कहकर उनके देखते देखते परमेश्वर मसीह ऊपर उठा लिए गए। क्या कहकर? कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। और यही रुको थोड़ी देर जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आ जाए। हाँ,
बादलों से उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह बादल पर उठा लिए गए, दोबारा फिर वो आएंगे, ये कहा गया। यानी कि कहते कहते ऊपर जाते जाते कहते कहते ये बात हो गई कि तुम पाओगे। तो फिर अगले ही अध्याय 10 दिन के बाद पिंतेकुस्त के दिन क्या हुआ? पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा हो गया। हालेलुया। जो आज आप पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा लेने वाले हो, कैसे हो गया वहां पढ़ना, दो अध्याय प्रेरितों काम 2:1 से। जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। पिंतेकुस्त मतलब 50वां दिन आया, जब प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद। हाँ। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट सा शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। क्या दिखाई दिया? आग की सी, आग सी की सी जीभें, और उनमें से हर एक पर ठहरी। आकर ऊपर क्या हो गया? हर एक ऊपर आकर ठहर गई। मूसा ने कैसे, मूसा और उसके साथ 6-7 लोग थे, उन्होंने कैसे बपतिस्मा लिया? दोनों साइडों पे क्या था? पानी था, ऊपर क्या था? बादल था। तो ये आग का बपतिस्मा जो था, पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा होने वाला था, और आग किसी जीप में फटती हुई उन पर आकर ठहर गई। वह सब पवित्र आत्मा से भर गए। क्या हो गया? कैसे भर गए? पवित्र आत्मा से। वह सब और साथ में कुछ और हुआ। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। क्या बोलने लगे? अन्य अन्य भाषा। हालेलुया। बहुत से चर्च ऐसे हैं कहते नहीं, उस समय मिलती थी अन्य भाषा, अब नहीं मिलती, अब बंद होगी। उन्होंने लिखकर ऊपर मोरे लगा दी हैं कि कुछ चर्चों ने मिलकर भी, उस समय बाइबल के जमाने में होती थी, अब नहीं होती। प्रभु कहते हैं तेरे वंश तक, तेरे वंश पर मैं पवित्र आत्मा उठे लूंगा। हालेलुया। आग किसी जीपे उन पर फटती हुई आके रुक गई, वह पवित्र आत्मा से भर गए। और कहां से आया था वो? जब पवित्र आत्मा उतरा, लिखा है जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और सामर्थ कहां से आएगी? स्वर्ग से। तो कैसे पा सकते हैं? कैसे पाएंगे? कैसे पाएंगे? लूका 11:9-13 तक, इसके बाद 1 और पढ़ेंगे। लूका 11:9-13 मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें, जो प्यासे हैं वहां जल की धाराएं बहाई जाएंगी, जो पवित्र आत्मा को मांगेंगे उन्हें मिला जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको 40-40 साल हो गए हैं, पवित्र आत्मा नहीं मिला, पवित्र आत्मा के वरदान नहीं मिले, यानी कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला। लोग जब परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा उनके संग रहना शुरू कर देता है, पवित्र आत्मा उनके संग रहता है, पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करता है, पवित्र आत्मा उन्हें वचन समझाता है, पवित्र आत्मा उन्हें पाप के विषय में कायल करता है, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं होता। जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है, वो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं सामर्थ से, और अन्य अन्य भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है,
और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हाँ? तुम में ऐसा कौन सा पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदल से सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को, अपने मांगने वालों को, स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। प्रेरितों के काम में देखते हैं, जब परमेश्वर के दास लोग गए यूहन्ना पतरस और उसने उन पास सिर पर हाथ रखे, वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए। मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो वो लगभग 120 लोग थे, एक साथ इकट्ठे थे, प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उतरा। जब हो रहा, अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। और आज आप पवित्र आत्मा को मांगिए। हो सकता कई लोग हमारे बीच में हो कि वो एक आयत अभी और पढ़नी है, पहला कुरिन्थियों 14:5, पहला कुरिन्थियों 14:5। तो हो सकता है कुछ लोग कहते हो हम तो बीमारियों की चंगाई के लिए आए हैं, दुष्ट आत्मा से छुटकारे के लिए आए हुए हैं। कोई बात नहीं, जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ कहां से आएगी? स्वर्ग से आएगी। कौन ढेलेगा? प्रभु यीशु मसीह। किसकी प्रतिज्ञा पूरी होगी? पिता यहोवा पिता की। हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा इतना बड़ा आपके ऊपर आएगा तो बीमारियां भाग जाएंगे, दुष्ट आत्मा भाग जाएंगे। दुष्ट आत्मा के लिए, बीमारियों के लिए यहां कोई स्थान नहीं रहेगा। पहला कुरिन्थियों 14:5। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बात करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बात करो, अन्य भाषा में बातें करो। हालेलुया। अगर आप मेरे मन की समझो, मैं ये चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो। लेकिन अन्य भाषा कैसे आएगा? या तो पवित्र आत्मा का वरदान है, या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होगा, या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होगा। ये एक ऐसी भाषा है, ये स्वर्गीय भाषा भी कहते हैं अपने, ये एक ऐसी भाषा है जिसे कोई सीख नहीं सकता। मुझे मालूम है लोगों को 40 साल हो गए चर्च में जाते हुए, और जिन्हें अन्य भाषा नहीं मिला उन्हें नहीं मिला, वो सीख नहीं सके। सुमन को जब नहीं मिला था, नहीं मिला, जब मिला, अब जब मिला आपको पता चला। जब जिसको नहीं मिला, नहीं मिला, उसको सीख नहीं सकते। मैं तो कहता ये तो मेरा बेटा है, इसको तो मैं सिखा देता हूं एक घंटे में, बाकी काम सिखा सकता हूं तो ये भी सिखा देता हूं, अन्य भाषा बोलना इसका कौन सा कोई समझ, किसी को समझ आती है? जैसे मर्जी बोलते रहो, ऐसा नहीं होता। कभी भी आप बोल के देख लेना, जिसको अन्य भाषा नहीं मिला वो कभी भी बोलकर कोशिश कर लेना अन्य भाषा बोलने की, जिसको कौन सा समझ रहा है, जैसे मर्जी बोलते रहो, ऐसा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 14:2 कहता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से बातें करता है। वो आत्मा में होकर परमेश्वर से भेद की बातें करता है, भेद की बातें परमेश्वर से करता है। आपको बताऊं मैं, आप जब प्रार्थना करते हो, हे परमेश्वर मसीह मुझे नया घर ले दे, कौन सुनता है उस प्रार्थना का? कौन सुन रहा होता है? परमेश्वर सुन रहे हैं, कोई और भी सुन रहा होता है, शैतान भी। और एकदम वो क्या काम पर लग जाता है? अड़चन डालने के लिए, इसका नहीं, इसको घर नहीं लेकर देना। जो भी आप प्रार्थना करते हैं उसको क्या करता है, कौन सुनता है? शैतान भी सुनता है। क्यों? क्योंकि आप कौन सी भाषा बोल रहे होते हैं ना, पंजाबी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं, दुनिया की भाषा में बोलते हैं, शैतान उसे समझ लेता है। लेकिन जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं शैतान को समझ नहीं आती, ये क्या बोल रहे हैं,
क्योंकि वो तो आत्मा से परमेश्वर से भेद की बातें कर रहे होते, भेद की बातें, इन्हें ना किसी और को ना पता चल जाए, परमेश्वर आपस में भेद की बातें, फिर शैतान को पता नहीं चलता भी आज इन्होंने परमेश्वर के साथ पता नहीं क्या योजना बनाई है, आज इन्होंने परमेश्वर से पता नहीं क्या कह दिया है, कोई तो बात हुई इनकी आपस में। खबर से खबर, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा बोलो, पहला ग्रंथियों 14:5, सच में मैं चाहता हूं तुम सब अन्य भाषा बोलो। शुरू से ही जब से मैंने प्रभु को पाया है, जब से मैंने पवित्र आत्मा और अन्य भाषा को पाया, पानी का बपतिस्मा मैंने बाद में लिया, जब मैं चर्च गया था सातवें दिन मुझे पवित्र आत्मा मिला, अन्य भाषा मिला था, 13वें दिन मैंने पानी का बपतिस्मा लिया, और मैं चाहता हूं कि आप भी अन्य भाषा बोलने वाले बन जाएं, कि आप भी पवित्र आत्मा से भर जाएं। हालेलुया। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा मेरे लिए है, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा बिशप जी के लिए है, कि आपके लिए है। वहां यह नहीं लिखा कि पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा जो स्टेज पर खड़े होकर प्रचार करते हैं उनके लिए है, नहीं, तेरे लिए और तेरे वंश के लिए, और उनके लिए भी जो दूर दूर के देशों से परमेश्वर अपने पास जिनको बुलाएगा, यह भी लिखा हुआ है, दूर दूर के देशों के लोगों को जिनको प्रभु अपने पास बुलाएगा उनके लिए भी प्रतिज्ञा है। कौन सी? पवित्र आत्मा की। हालेलुया। इसलिए उद्धार पाने के लिए पानी से बपतिस्मा, सामर्थ पाने के लिए पवित्र आत्मा से बपतिस्मा। खरा बाला बारा रसिका, स्वर्ग से सामर्थ पाने के लिए पवित्र आत्मा से बपतिस्मा। और अभी आप तैयार हो जाए, जो चल नहीं सकते, जब पवित्र आत्मा में सब भर जाएंगे आप चलना शुरू कर देना, जो देख नहीं सकते अपनी आंखों को बंद करें, और जब पवित्र आत्मा से लोग भरेंगे एकदम खोलिएगा आप देखने लगेंगे। अगर आपके हाथ ऊपर नीचे नहीं हो रहे तो आप पवित्र आत्मा में भरें और फिर अपने हाथों को ऊपर नीचे करना शुरू करें। अभी नहीं, अभी आराधना में जब हम चले जाएंगे, जब हम लोग बपतिस्मा लेंगे पवित्र आत्मा का। अब शुरू हो जाएं। तो मैं प्रार्थना करता हूं। पहले तो प्यारे परमेश्वर पिता, जितने लोग हमारे बीच में हैं, मेरे परमेश्वर पिता, जितने लोग प्यासे हैं वो पवित्र आत्मा से भरे, जितने लोग प्यासे हैं वो पवित्र आत्मा से भरे, जो लोग पवित्र आत्मा मांगते हैं स्वर्गीय पिता उन्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, जो लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता आज अपनी प्रतिज्ञा का पूरी कर दीजिए, ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएं, ये पवित्र आत्मा से भर जाएं और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जितने लोग हमें ऑनलाइन देखते हैं वो पवित्र आत्मा से भर जाएं और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, जितने लोग हमें देखते हैं वो पवित्र आत्मा से भर जाएं और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, पवित्र आत्मा से भर जाएं और अन्य भाषा बोलने लगे, पवित्र आत्मा से भर जाए और अन्य भाषा बोलने लगे। मैं एक बात और आपको बता रहा हूं, अभी पिछले हफ्ते किसी ने हमें फोन पर बताया, वो खेत में था व्यक्ति, और जब वो खेत में था तो अपनी वीडियो देख रहा था पवित्र आत्मा की, और वो वहां पर खेत के अंदर ही उसे पवित्र आत्मा मिल गया। हालेलुया। रात को एक और मैसेज आया कि उसे अन्य भाषा मिल गई। हालेलुया। ऐसे लोग जिन्हें सालों साल से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं जिन्होंने पाया, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन्होंने पा लिया, उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया, और आज आपका बपतिस्मा होने वाला है। रो बाला साबारा सिखा बारा लाबारा दबारा लाबा।